दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी निसान मैगनाइट, जो ये गाड़ी आप देख रहे होंगे, ये गाड़ी एक्सवी का नॉन टर्बो है। डुअल टोन में हमने इस गाड़ी को लिया था, व्हाइट एंड ब्लैक कलर में। तो काफी लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे थे कि गाड़ी अंडर पावर है क्या। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाइए। तो अब इसको कैसे जज किया जाए, ये मेरे पास कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन काफी लोगों के ये भी सवाल आए थे कि आप इसको सेकेंड गियर में उठा के देखिए, क्या गाड़ी सेकंड गियर में उठती है। तो आज हम इसी को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में जो गाड़ी है सेकंड गियर में उठती है कि नहीं उठती है। तो मैं आपको ये वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूंगा, और जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, जिन लोगों को डाउट है, उनके डाउट्स हम क्लियर करेंगे कि ये गाड़ी सेकंड गियर में उठती है कि नहीं उठती है। तो देखते हैं हम इस वीडियो में। देखिए अभी ये गाड़ी टोटली न्यूट्रल में है, ठीक है। तो अभी हमने ये फर्स्ट गियर लगा दिया, अब हम इसको सेकंड गियर लगाएंगे। ये हमारी सेकंड गियर है। अब हम इसको स्टार्ट देखते हैं, चल रही है गाड़ी की नहीं चल रही है। तो आप देख रहे होंगे गाड़ी मैंने सेकंड गियर में उठाई है, कितना स्मूथली चल रहा गाड़ी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ऐसा मुझे ज्यादा कोई ऐसा वाइब्रेशन भी फील नहीं हुआ है। बहुत मस्त चल रही है गाड़ी और सेकंड गियर में। तो देखिए वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूजन था कि हमारी गाड़ी अंडर पावर है नहीं है निसान मैगनाइट। तो आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और हम तो इसको 2 महीने से चला रहे हैं। 11 जनवरी को ये गाड़ी हमको डिलीवर हुई थी और तब से चला रहे हैं। करीब ये गाड़ी 1394 किलोमीटर ये गाड़ी मैं चला चुका हूँ। फर्स्ट सर्विसिंग भी करा चुका हूँ, जो कि टोटली फ्री था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सर्विसिंग का भी था, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। ये गाड़ी का हमने आपको दिखा दिया कि सेकंड गियर में गाड़ी कितनी आसानी से उठती है। तो आप देख सकते हैं हम फिर वापस आ रहे हैं अपने घर में।